नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मयूर विहार स्थित एक मकान में जमीन का गरम होना बना कोतोही का विषय। नहसत में है परिवारजन। अरावली विहार थाना पुलिस ने किया मौका मुआयना। ग्रेच्युटी से वंचित सेवामुक्त रोडवेज कर्मचारी 27 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बाद भी रोडवेज निगम ग्रेच्युटी देने में नहीं है सक्षम। युवा महोत्सव 2015 में आयोजनकर्ताओं के चलते नजर आई बड़ी खामियां। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और राज्य सरकार के आदेशों की उड़ रही श्रम विभाग में धज्जियां। निश्चित समय पर नहीं आ रहे विभाग से जुड़े अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी, उन्हें नहीं कार्रवाई का डर। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के मयूर बिहार कॉलोनी स्थित मकान में अजीबोगरीब तरीके से मकान के मुख्य द्वार के समीप जमीन गर्म होने से मकान में रहने वाले लोगों में भय व्याप्त है। ऐसे में इस करिश्मे को देखने के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के मयूर बिहार कॉलोनी स्थित एक मकान में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है, जिसमें मकान के मुख्य द्वार के समीप की जमीन स्वतः ही गर्म होने लगती है। इससे मकान में रहने वाले लोगों में भय व्याप्त है, तो दूसरी तरफ लोगों को इस घटना का पता चलने पर मकान को देखने वालों का तांता लग रहा है। जानकारी के अनुसार मालवीय नगर के समीप स्थित मयूर विहार कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार सिंह नरुका के मकान में प्रवेश द्वार के समीप सीढ़ियों के पास की जमीन इतनी गर्म हो गई कि उस पर पानी तक उबाला जा सकता है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि वे पिछले 10 वर्ष पूर्व भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह किस कारण से हो रहा है। क्या बताएं? कल 1 बजे सुबह, कल 1 बजे मैं से निकली तो बहुत गर्म लगा। फिर मैंने शाम तक किसी को नहीं बताया। शाम को फिर मेरे भाई को फोन करा, तभी आए। तो रात भर देखा भाई सही नहीं हो रहा, अभी तक भी सही नहीं हो रहा। पानी रखते हैं तो पानी भी गर्म हो रहा है। कितनी तेज गर्म हो? पानी खूब गर्म हो गया। इतना वही खूब तेज गर्म हो जाए, इतना गर्म पानी हो गया। हाँ, क्या लगता है आपको, कभी पहले भी हुआ ऐसा? पहले 8 से 10 साल पहले एक बार हुआ, पर इतना गर्म नहीं हुआ, अब ज्यादा हो जाए। कितना समय हो गया यहाँ रहते हो आपको? मैं 11 साल। तो आते ही 1 साल हुआ? हाँ, बस नहीं, ऐसे चेक किसी ने भी नहीं किया। आप दूसरे दिन बंद हो गया था। वही घटना की जानकारी शहर विधायक को दे दी गई है, जिसके बाद विधायक ने घर की बिजली बंद करने को कहा और उन्होंने बिजली बंद कर दी, लेकिन फिर भी जमीन वैसे ही गर्म है, जिससे परिवार में भय व्याप्त है। वहीं दोपहर बाद अरावली विहार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। फिलहाल परिवार जनों में मामले को लेकर दहशत बनी हुई है। मैं कल जैसे इन्होंने बताया, मैं इधर घर पे आया, मैंने देखा ये तो बहुत तेज जल रहा था, इतनी तेज जल रहा है। पानी भी गर्म था कल, तो आज तो पानी बदल दिया इसका। कल बहुत तेज पानी गर्म था, किस वजह से ये पता नहीं है। धरती गर्म है। कितना हिस्सा है जो गर्म है मकान में? लाइट बंद कर रखी आप लोगों ने? ये लाइट हमने ऑफ कर रखी है, कल से शाम से लाइट ऑफ है, फिर भी जल रहा है। मेरी लाइट का कनेक्शन खराब हो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी ये थोड़ा सा हिस्सा है जो सीढ़ी की पेड़ी उतरते हैं, बस उतना सा हिस्सा है जो गर्म उबल रहा है एक तरह का आग की तरह। अब इसमें क्या है क्या नहीं ये पता नहीं। किसी को अवगत कराया आपने? एमएलए साहब को अवगत करा दिया, उन्होंने की लाइट बंद करो और फिर मुझे बताना। मैं एमएलए साहब के पास जाऊंगा, फिर वो अधिकारी भेजेंगे, फिर इसको चेक करवाएंगे। टपुकड़ा थाना अंतर्गत स्थानीय हाईवे पर सोमवार सुबह टेम्पो पलटने से उसमें करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिनमें से 3 को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, वहीं शेष का टपुकड़ा अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार अलवर रेफर किए गए घायलों में मध्य प्रदेश के कटहरा निकाव निवासी रामसाय की पत्नी कमलेश, तिजारा के रामस्वरूप की पत्नी किस्मी देवी व बिहार के रामचंद्र की पत्नी धर्म जिया, जो कि टपुकड़ा से टेम्पो में सवार होकर पावल जा रहे थे। तभी स्थानीय हाईवे पर अचानक टेम्पो के पलट जाने से सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हमको जी पता चला कि एक हमारी मम्मी थी, ये वहाँ जा रही रिश्तेदारी में टपोकड़ा से बूढ़ी बावल साइड, तो वहाँ इनको एक्सीडेंट का पता हो, बाद में हमको पता चला। तो ये थ्री व्हीलर में जा रहे थे। कितनी सवारी थी? सवारी तो फुल भरी थी, 10-15। नौ सबकी चोट आई है, पर इन्हों के ज़्यादा जाए। कितने लोग हैं ये? ये यहाँ हॉस्पिटल में जी 3 है जी, और टपोकड़ा रह गए बाकी। अलग अलग जगह के? अलग अलग जगह के सभी सवारी थी। सभी सवारी। कैसे हुई घटना? अचानक हुई, पता नहीं शराब पी रखी थी कि अचानक एक दीवार में दे ली। सोमवार को अलवर नगर विकास न्यास सभागार कक्ष में ट्रस्ट की मासिक बैठक यूआईटी अध्यक्ष व जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें यूआईटी अध्यक्ष व जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शहर विधायक बनवारी लाल सिंगल सहित कार्यवाहक SP पारस जैन व यूआईटी सचिव अनुपमा चोरवाल भी उपस्थित रही। बैठक के दौरान जहां नगर विकास न्याय क्षेत्र अंतर्गत सड़कों व गली मोहल्लों में लाइट व्यवस्था के साथ साथ शहर के विकास व सुरक्षा आदि को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों ने भी अपनी बात रखते हुए कई समस्याओं के समाधानों पर प्रकाश डाला। हमें शहर में जो आज लाइट व्यवस्था जो है, उसमें जनरली हमें देखने को मिलता है कि लाइट नहीं जलती है। जलती है तो 24 घंटे जलती है। इसका मुख्य कारण है कि जो शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट वायर नहीं है, और जो है वो डायरेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से या तो 24 घंटे लाइट जलती है या जलती नहीं है। इस समस्या को हम नगर परिषद के मार्फत स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए, वायर डलवाने के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कितने समय से है ये समस्या? ये तो हम आए हैं जब से हमारा बोर्ड बना है, उससे काफ़ी लंबे टाइम से है। तो पहले बोर्ड में भी ये हालत थी और अब भी इस बोर्ड में भी ये हालत है? बोर्ड नहीं है, हमारी तो सरकार जो पिछली सरकार में भी यही हालत थी, 10 साल। अब इसको हमने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसका मोटा बजट है, तो ये UIT से मिलकर उसको हम कार्य करवाएं। अलवर UIT सभागार में इस समय मासिक बैठक चल रही है। इस मासिक बैठक के दौरान शहर विधायक की अध्यक्षता सहित जिला कलेक्टर बैठक में मौजूद हैं, और साथ ही इस बात की चर्चा हो रही है कि शहर के विकास को लेकर UIT द्वारा किए गए कार्यों की अब तक क्या समीक्षा रही और आगामी बजट के तहत किस तरह के कार्य किए जाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि जो अब तक कार्य किए गए उनको लेकर शहर के अंदर किस तरह की हलचल है, और योजनाओं के तहत जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी उस पर अब तक किस तरह की क्रियान्विति हुई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मापदंडों के लिए यहाँ पर कार्यवाहक SP पारस जैन भी बैठक में मौजूद हैं, और साथ ही प्रशासन से जुड़े हुए बहुत सारे अधिकारी और संबंधित विभागों से जुड़े हुए अन्य अधिकारियों ने भी अपनी बैठक में मौजूदगी दिखाई है। कार्रवाई किस तरह की रहेगी, बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर बैठक में जो लिए गए निर्णयों को लेकर किस तरह की क्रियान्वित होती है, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ अतिरिक्त व्यवस्थाओं को लेकर भी कार्रवाई किस तरह की रहेगी, ये भी देखने का विषय रहेगा। कैमरामैन जावेद के साथ मैं समर गुप्ता। अलवर शहर में चोरी मार्केट में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई मारपीट व अभद्रता के विरोध में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कमेटी की शहर अध्यक्ष लीला यादव के नेतृत्व में महिला पदाधिकारी सोमवार को सुबह कलेक्टर पहुँच जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर अध्यक्ष लीली यादव के नेतृत्व में महिला पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर के चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिलाओं के साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई मारपीट व अभद्रता के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। शहर अध्यक्ष लीली यादव ने बताया कि शहर के चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद आयुक्त सुनीता पंकज पर SDM राजेश गोयल द्वारा महिलाओं के साथ की गई मारपीट का महिला कांग्रेस विरोध करती है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट व अभद्रता करना निंदनीय है। आज हम जो 16 तारीख को अतिक्रमण हटाया गया था चूड़ी मार्केट में, हमारे नगर परिषद आयुक्त और हमारे SDM राजेश गोयल जी, उन दोनों ने जो मारपीट करी है महिला के साथ,
उसके विरोध में वो एक गलत काम हुआ है। अतिक्रमण हटाना कोई गलत काम नहीं है, उसके हम विरोध में नहीं है, लेकिन एक महिलाओं को इस तरीके से मारा गया है और वो महिला उसके साथ, उसको मैं घर जाकर भी मिली हूँ, उस महिला को ऑपरेशन हो रखा है कैंसर का 2 साल पहले, उसको एक नली लगी हुई है यहाँ, अगर बुरा थोड़ा सा और उसको वहाँ पैर लग जाता तो नली उसके अंदर चल जाती, उसकी मौत हो सकती थी। और ये सरकार अच्छे दिन देने वाली सरकार, इतने बुरे दिन है और महिलाओं को इस तरीके से पटक पटक कर मारा, जो तुम मीडिया भाइयों ने भी देखा, अखबार में भी आया, ये बहुत गलत हुआ, इसके हम खिलाफ हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं और हम उनकी बर्खास्त की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर पुष्पा गुप्ता का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की बात करना एक दिखावा है। भाजपा के राज्य में महिलाओं पर अधिक अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिनके लिए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा देने वाली मुख्यमंत्री और विधायक और पूरी सरकार जो इस बात को लेकर सत्ता में आई थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आज उनकी पोल खुल गई है। और बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी महिला जो पीड़िता है ऑलरेडी, जिसके कैंसर का तकलीफ है, और उस महिला को अच्छे खासे समझदार जो अफसर हैं उन्होंने कानून हाथ में ले लिया। अगर उनको कोई शिकायत थी तो उनके साथ पुलिस थी, पुलिस के द्वारा वो कानूनी कार्यवाही कर सकते थे, कोर्ट की कार्यवाही कर सकते थे अपने हाथ में कानून लेकर। और महिला के साथ जो मारपीट की निंदनीय है, हम उसको का विरोध करते हैं और भविष्य में उन्हें चेतावनी देते हैं कि महिलाओं के साथ अगर इस तरह की का दुर्व्यवहार होगा, इस तरह की मारपीट होगी तो हम सड़क पर आकर आंदोलन के में उतारू होंगे। कितना असंतोष इस समय है अलवर में तो क्या आपको तो पता, पूरा राजस्थान परेशान है उनकी सारी नीतियों से, लेकिन हमने जो इस मुद्दे को उठाया है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, ये तो निंदनीय है कि कभी भी आपने नहीं देखा कि कोई अफसर महिला को पीट रहा है। अगर वो कहे महिला के खिलाफ केस कर रहे हैं तो उसका उनके पास कोर्ट था, आगे की कार्यवाही थी। अगर अधिकारी खुद इस तरह से कानून को लेकर हाथ में और आगे बढ़ेंगे तो ये निंदनीय है और हम सब उनकी का विरोध करते हैं और आगे उनको चेतावनी देकर आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं जो मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे। वहीं ज्ञापन देने के दौरान महिला पार्षदों ने कलेक्ट्रेट गेट पर शहर विधायक व भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपना विरोध जताया। राजस्थान पटवार संघ की 11वीं सूत्रों मांगों के समर्थन में सोमवार को जिले भर में पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहे, जिसके तहत अलवर तहसील में भी पटवारियों ने अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया राजस्थान पटवार संघ के अलवर तहसील अध्यक्ष अरविंद दीक्षित ने बताया कि पटवारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिसका कारण प्रदेश के आह्वान पर जिले व तहसील स्तर पर सभी तहसीलों में पटवारी सामूहिक रूप से अवकाश पर हैं। अगर राज्य सरकार द्वारा पटवारियों की मांगे नहीं मानी गई, तो वह आगे तेज आंदोलन की रणनीति तैयार कर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, राजस्थान पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं, इंकलाब है इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब है इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान पटवार संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार से निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। सरकार ने हमारी 11 सूत्र मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया, इसलिए राजस्थान पटवार संघ के समस्त सदस्यों ने क्रांतिकारी कार्य ने निर्णय लिया है। दिनांक 12/10/15 को समस्त पटवारियों ने जो अतिरिक्त कार्य कर रहे थे अतिरिक्त पटवार मंडलों का, उनके वस्त्र तहसील कार्यालय में जमा करा दिए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 19/10/15 को समस्त पटवारी राजस्थान के अलवर तहसील के समस्त पटवारी आज सामूहिक अवकाश पर रहकर सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन। महिलाओं पर अधिक अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जिनके लिए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा देने वाली मुख्यमंत्री और विधायक और पूरी सरकार जो इस बात को लेकर सत्ता में आई थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, आज उनकी पोल खुल गई है। और बड़ी शर्म की बात है कि ऐसी महिला जो पीड़िता है ऑलरेडी, जिसके कैंसर का तकलीफ है, और उस महिला को अच्छे खासे समझदार
जो अफसर हैं उन्होंने कानून हाथ में ले लिया। अगर उनको कोई शिकायत थी तो उनके साथ पुलिस थी, पुलिस के द्वारा वो कानूनी कार्यवाही कर सकते थे, कोर्ट की कार्यवाही कर सकते थे अपने हाथ में कानून लेकर। और महिला के साथ जो मारपीट की निंदनीय है, हम उसको का विरोध करते हैं और भविष्य में उन्हें चेतावनी देते हैं कि महिलाओं के साथ अगर इस तरह की का दुर्व्यवहार होगा, इस तरह की मारपीट होगी तो हम सड़क पर आकर आंदोलन के में उतारू होंगे। कितना असंतोष इस समय है अलवर में, अलवर में तो क्या आपको तो पता पूरा राजस्थान परेशान है उनकी सारी नीतियों से, लेकिन हमने जो इस मुद्दे को उठाया है कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार ये तो निंदनीय है कि कभी भी आपने नहीं देखा कि कोई अफसर महिला से मुख्यालय तक रैली निकाली जाएगी। प्रदेश व्यापी इस रैली में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के यूनियन कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग लेंगे। राजस्थान रोडवेज के सेवा मुक्त कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर 27 अक्टूबर को जयपुर के सिंधी कैंप से मुख्यालय तक रैली निकाली जाएगी। प्रदेश व्यापी इस रैली में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के यूनियन कार्यकर्ता व पदाधिकारी भाग लेंगे। एटक के यूनियन पदाधिकारी तेजपाल सैनी ने बताया कि वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, जिसके लिए संबंधित मुख्य प्रबंधक को विज्ञापन सौंपा जा चुका है, किंतु अभी तक हालात तस के तस बने हुए हैं, जिसकी जिम्मेदार वर्तमान सरकार है जिन्होंने रोडवेज को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा है जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी हुए हैं दिसंबर 13 के बाद में ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे, यानी ये सरकार आने के तुरंत बाद ही जो भी हमारे बकाया भुगतान थे वो सब बंद। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं आए और रोडवेज जल्द से जल्द ग्रेजुएटी पेमेंट को बनने पर। एटक की तरफ से हम लगातार प्रयास करते आ रहे हैं और 27 तारीख को पूरे प्रदेश के रिटायरमेंट कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी विद बच्चों के विद फैमिली के हम वहाँ पर रैली करेंगे जो सिंधी कैंप से चल करके और मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा, रैली की जाएगी। वहीं पिछले एक वर्ष से ग्रेजुएटी के लिए रोडवेज के चक्कर लगा रहे तेजपाल सैनी का कहना है कि एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त होने के बावजूद अभी तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है, ऐसे में कार्यालय के चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो कितना समय हो गया रिटायर हुए? 10 महीने हो गए रिटायर हुए। कुछ छुट्टियों का पैसा बाकी है अभी। आप गए अधिकारी के पास तभी तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक दो महीने मिल जाएंगे, लेकिन मिलने की संभावना है। रोज चक्कर काट रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे आपके? हमारे कम से कम 40 लोग। वहीं अलवर में मत्स्य नगर आगार डिपो के मुख्य प्रबंधक के एस मीना से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि रोडवेज की खस्ता हाल के चलते ग्रेजुएटी पिछले 2 वर्ष से रुकी हुई है, ऐसे में न्यायालय ने वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेजुएटी के लिए 25% राशि देने की फिलहाल बात कही है, जिस पर मुख्यालय स्तर पर विचार चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक सभी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी की राशि देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनके ग्रेजुएटी के जो उसने कोर्ट ने 25% के आदेश किए हैं और उनको 25% राशि देने की तैयारी की जा रही है, हेड ऑफिस से दी जाएगी वो पैसे। इस साल में जैसे 15 में करीब सभी का पेमेंट करने की योजना है। लेकिन क्या कारण रहा ये रुकने का? रुकने का कारण थोड़ी रोडवेज की हालत थोड़ी कमजोर होने की वजह से। वो तो जितना किसी का 2 लाख है किसी का 10 लाख है, जो ग्रेजुएटी उनकी जो बची हुई है वो उसी हिसाब से फिर अभी उसका टोटल का 25% देने का। जी जी, अगर वो बकाया रहता है वो बताइए, वो भी जल्दी दे देंगे। प्रक्रिया के तहत? हाँ, प्रक्रिया के तहत चाल देते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता में स्थानीय महाविद्यालय के UGM PG प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को शामिल करवाने हेतु ABVP के द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। विभाग के संगठन मंत्री पूरण सिंह ने बताया कि जब राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा तो खेलकूद क्यों नहीं कराता। ऐसी स्थिति में खेलकूद में रुचि रखने वाले छात्रों के सामने कठिनाई पैदा हो गई है और खेलकूद में रुचि रखने वाले प्रतिभाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी, यदि कॉलेज के विद्यार्थियों को खेल में शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। Talk.
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर इकाई द्वारा जो प्रथम वर्ष यूजी और पीजी में जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं इनको मत्स्य राजा भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत लिया गया है। और चूंकि अभी खेल प्रारंभ हो गए हैं तो इंटर कॉलेज के जो खेल प्रारंभ हो गए वो राजस्थान विश्वविद्यालय करवा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने साफ साफ कह दिया कि हम यूजी और पीजी के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को इस खेल के अंतर्गत भाग नहीं लेने देंगे। इसलिए अलवर जिले के आज हजारों जो खेल के प्रतिभाशाली ऐसे विद्यार्थी हैं उनका भविष्य अंधकार में है। खेल के जिस प्रकार से उन्होंने खेल के आगे जिसमें उनका कैरियर है वो उनका भविष्य इस प्रकार में अंधकार में हो गया है। ना ही तो राजस्थान विश्वविद्यालय उनको खेल में अपनी सहभागिता लेने के लिए कह रहा है, ना ही मत्स्य विश्वविद्यालय इसमें अपने को खेल खुद के तरफ से इनका आयोजन करवा रहा है। तो ऐसे हजारों अलवर के ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं खेल में, उनका भविष्य अंधकार में है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रही है कि या तो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनके अंदर इन छात्रों को सहभागिता दी जाए, अन्यथा खुद की तरफ से इस इंटर कॉलेज की मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन करवाए। अगर ऐसा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में कुछ जल्द ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगी और जिसका प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। जो भी घटना होगी हम ये मांग रखते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद पूरे उग्र आंदोलन इसके लिए की जाएगी। नवरात्र के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। कथा स्थल बड़ौदा वाली हवेली सनातन धर्म मंदिर के पीछे हिंदू पाड़ा सोमवार को कथा का सातवां दिन था। सोमवार को आचार्य बालकृष्ण ने कथा से श्री राम का विवाह की ओर से झांकी सजाई। जहाँ सोमवार को श्री राम में जानकी विवाह का प्रसंग सुनाया गया, संगीत में कथा को सुनने कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। वही श्री राम व जानकी विवाह के प्रसंग को सुनकर सभी ने मैया जानकी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कथा वाचक वृंदावन से आए आचार्य बालकृष्ण ने कन्या के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि एक तरफ कन्या जहां देवी का रूप होता है और दूसरी तरफ लक्ष्मी का। कन्या के जीवन से दो परिवारों का कल्याण होता है। इस मौके पर श्री राम व जानकी विवाह की भव्य झांकी भी दिखाई गई। इस मौके पर लोगों ने भगवान की आरती भी की। कथा विश्राम पर प्रसाद वितरित किया गया। कथा का आयोजन 13 अक्टूबर से चल रहा है। वहीं मंगलवार को कथा के अलावा रात 9 बजे संतोषी माता का जागरण भी होगा। वहीं बुधवार को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। उस जमाने में कोई गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं था, तो कार मोटरसाइकिल तो होती नहीं थी, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। तो विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम से अवध का रास्ता पैदल पैदल तय करते। संत कहते हैं 6 महीने लग गए विश्वामित्र जी महाराज को अपने आश्रम से अयोध्या पहुंचने में। ठाकुर से मिलने के लिए जीव को बहुत यत्न करना पड़ता है। ठाकुर सहज में नहीं मिल जाते हैं। ठाकुर जी ऐसे नहीं दुकान खोल के बैठे हैं, कहीं दर्शन हो जाएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। 13 अक्टूबर से हिंदू पाड़ा अलवर में रामकथा का आयोजन चल रहा है, जिसका आज सातवां दिन है। और आज सातवें दिन में राम विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें भव्य झांकियों के साथ संपन्न कराया गया और राम जी और सीता माता की सवारी निकाली गई, जिसमें बहुत अधिक लोगों ने उल्लास के साथ हिस्सा लिया। मैं मनोज चतुर्वेदी, हिंदू पाड़ा अलवर से। हिंदू पाड़ा अलवर में 13 अक्टूबर से राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज सातवां दिन है। आज के दिन भव्य झांकियों के साथ राम सीता माता का विवाह संपन्न कराया गया और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उल्लास के साथ इस राम कथा का आनंद लिया। अब घर पाना हुआ और भी आसान। रात के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी अलवर रोड भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, सत्य लागू।
अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला युवा महोत्सव 2015 का आगाज जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल द्वारा सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सोमवार को विधिवत रूप से जहां किया गया, वहीं इस महोत्सव के दौरान होने वाली विभिन्न 14 टीम प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न स्थानों से आए युवाओं व बच्चों ने भाग लिया। सोमवार को अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम कला मंच पर जिला युवा महोत्सव 2015 कार्यक्रम का आयोजन करते हुए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरमान मीना, एसडीएम राजेश गोयल, एसीजीएम सरोज गुप्ता के द्वारा सरस्वती छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत जहां कलाकारों ने लोक संगीत की जगह वेस्टर्न फिल्मी गानों की धुन पर गिटार बजाकर प्रस्तुति दी, वहीं कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को भी देखा गया, जिसके चलते प्रतियोगिता से जुड़े निर्णायक मंडल व प्रतियोगिता में सम्मिलित किए जाने वाले प्रतिभागियों के बीच कार्यक्रम के दौरान लगातार हो रही बातचीत भी प्रतियोगिता के परिणामों पर सवाल खड़े कर रही है, जिसकी एक वानगी आप सुन और देख सकते हैं। जहां इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराते हुए भविष्य में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने का प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस आयोजन में तय उम्र से कम के बच्चे भी मंच पर अपनी प्रतिभाएं दिखाते नजर आए। ऐसे में आयोजन पर अनेक खामियों भरे सवाल खड़े नजर आए, जिसका सच भी आप स्वयं देख और सुन सकते हैं। बेटा नाम क्या आपका? चाहत। कौन सी क्लास में आप? सिक्स्थ। कितनी एज होगी आपकी? 12। 12 इयर्स है। अच्छा, आपको कोई कोड मिला है? क्या करेंगे आप लोग? क्या क्या परफॉर्मेंस करेंगे आप लोग यहाँ पर? हमारा ड्रामा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। अच्छा। वो उसके ऊपर थोड़ा ड्रामा। आपको आइडिया है क्या कोड दिया है इन लोगों ने आपको? हाँ। क्या कोड नंबर दिया? 2 दिया है। कितने बच्चों का ग्रुप है आपका? 7। तो किसी स्कूल की तरफ से आए हैं आप लोग? हाँ। कौन से स्कूल से आए? आर्य पब्लिक स्कूल अलवर से। हाँ ठीक। कुल मिलाकर इस आयोजन से जुड़े विभाग द्वारा कार्यों को लेकर बरती गई ढिलाई जहां प्रतियोगिता के प्रयासों पर पानी फेरती दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रतियोगियों के चुनाव को लेकर बनाया गया निर्णायक मंडल भी सवालों के दायरे में आ गया। ऐसे में क्या सभी बच्चों को बेहतर परिणाम मिल पाएगा? आज जो है ये जिला युवा महोत्सव 2015 का आयोजन किया जा रहा है अलवर में, क्योंकि पूरे राजस्थान के सभी जिलों में जिला युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है।
उसी कड़ी में ये आज अलवर में है। इससे पहले हमने दौसा में कार्यक्रम आयोजित किया था, ये दूसरा कार्यक्रम है स्टेट का। कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है पूरे ज़िले में, जो नौजवान साथी हैं 15 से 35 साल के नौजवान साथी इसमें भाग ले रहे हैं, और उद्देश्य ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है तो उसमें हमारे ज़िले की एक अच्छी टीम छटके जाए, जो ये प्रतियोगिता में आज जो प्रथम आएंगे लोग उनको हम राज्य स्तर पर भेजेंगे, और राज्य स्तर पर अगर वो प्रथम आते हैं तो वो टीम हमारी राष्ट्रीय स्तर के जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होगा उसमें भाग लेगी। जिला युवा महोत्सव का आज आयोजन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना, उनके भीतर छुपी हुई विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को सामने लाना और उन्हें एक मंच प्रदान करना अपनी प्रतिभाओं के प्रकटन का, और इसके साथ ही ज़िले में जो अन्य प्रकार की गतिविधियां चल रही है उनका भी एक प्रदर्शन करवाना है। एक तरफ इस तरह के हालातों के चलते कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कई बार अपनी स्थिति से भटकता नजर आया, कार्यक्रम को लेकर कोई भी पूर्ण निर्धारण सफल होता नजर नहीं आया। साथ ही इन हालातों के चलते प्रतियोगिता में आए प्रतिभागियों सहित उनके गुरुजन व परिवार के लोग भी खासे परेशान रहे। मुस्लिम समुदाय की ओर से 24 अक्टूबर को मुहर्रम मनाया जाएगा, जिसमें मुहर्रम में निकालने वाले ताजिए की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं बोर्डिंग में ताजिए बनाने वाले चांदोली गाँव निवासी अली शेर ने बताया कि वह पिछले 10 साल से वह पीढ़ी दर पीढ़ी मुहर्रम से पूर्व ताजिए बनाते आ रहे हैं, जिनको उन बनाने में बांस, अखबार, चमकीले कागज आदि का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर ताजियों के पीछे चलने वाली मेहंदी छोटा ताजियों का निर्माण नंगली मोहल्ले में किया जा रहा है। काम में बांस खरीदते हैं, बांस तागा सूत्री से बंधे बांस चीरते हैं इन्हें। अब मैदा आएगी, लाई बनेगी भाई, मसाला चढ़ेगा, वृद्धि होएगी, सब कुछ होएगा भाई। अब तो हम इसमें तैयार हो जाता है, उसके बाद तो दफना जाएंगे, करबला जाएगा ही बन जाएगा, जो यहाँ से ले जाएगा करबला जाएगा ही 24 तारीख को कत्ल के लिए बोल्डिंग खड़ा हो जाएगा, यहाँ से करबला के लिए करबला जाएगा, दफना जाएगा 6-7 बजे शाम को। पैसा कमेटी नहीं तुलेड़ा का भाई साहब, तुलेड़ा खुर्सी है उसका नाम, वो कर दे भाई, वो सारा पेमेंट वो करे। फखरुद्दीन ने बताया कि उनके धर्म में जहां मुहर्रम से एक दिन की पूर्व की रात को कत्ल की रात मानी जाती है, इस बार मुहर्रम 24 अक्टूबर को होने से 23 अक्टूबर की रात कत्ल की रात होगी, जिसमें पूरी रात खुदा से इबादत की जाती है। 24 अक्टूबर की सुबह ताजिए के जुलूस के रूप में मेव बोर्डिंग से शुरू होकर करबला मैदान में दफनाए जाएंगे, जिसमें जिले भर के मुस्लिम समुदाय के लोग भाग लेंगे। मुझे बनाते बनाते 8 साल हो गई, पहले हमारे दादा बना कर दिया था इसको बाबू खां, उससे पहले ईद उसाई बना कर दिया था, और क्या कहते हैं इसे और कैसे क्या होता है? ये हमारे बड़ा वाला तो मुहर्रम कहते हैं, और ये हमारे मेहंदी कहलाई जाती है नंगली के नाम से। ये हमारे यहाँ से शाम को चांद की 9 तारीख को रवानगी लेगी मियाँ बोल्डिंग के लिए, वहाँ पे फिर उसमें सम्मिलित हो जाएगी, वहाँ सम्मिलित हो जाएगी। अच्छा, तो कैसे बनाते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें काम में आती हैं? ये हमारे अखबार आते हैं, बांस आते हैं, सूतली आती है, धागे आते हैं, और तांबड़ा आता है, और अपना फूलझड़ी बनाते हैं पन्नियों की। कैसे लागत में भाग रूप में उगाते हो कैसे? ये तो हमारे चंदे के रूप में ही आता है समाज से। हाँ जी, राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को स्वच्छ शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी करते हुए राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक अपने निर्धारित समय पर उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन इनके बावजूद भी अलवर जिला प्रशासन आदेशों की पालना को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इन हालातों में अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित श्रम विभाग कार्यालय में सोमवार को जहाँ तय ड्यूटी समय से 43 मिनट लेट हुए, उससे भी अधिक देरी से संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में पहुंचते नजर आए। वहीं इन हालातों के चलते कार्यालय में काम करने को लेकर पहुंचे मजदूर भी खासे परेशान नजर आए। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार का स्वायत्त शासन विभाग अपने आदेशों के तहत सरकारी कार्यालयों में निश्चित समय पर अधिकारी व कर्मचारी के न पहुँचने पर कठोर कार्रवाई किए जाने का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित श्रम विभाग कार्यालय में सोमवार को आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी तय समय सीमा से 40 मिनट
या उससे अधिक देरी से पहुंचते नजर आए। जब इस बारे में जानकारी चाहिए तो श्रम अधिकारी उपश्रम आयुक्त के कार्यालय में उपस्थित न होने की बात कहते हुए मीडिया को इन सब से दूर रखने का प्रयास किया गया। बल्कि इस दौरान कार्यालय में देरी से पहुंच रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के बचाव को लेकर भी पैरवी करते नजर आए, जिसका सच आप स्वयं देख एवं दृश्यों में देखें और सुन सकते हैं। देखा और सुना आपने किस तरह कार्यालय से नदारद अधिकारियों व कर्मचारियों का बचाव करते हुए मौके पर मौजूद श्रम कल्याण अधिकारी रत्नेश शर्मा मामले पर कुछ भी कहते से बचते नजर आए। एक तरफ जहां अपनी जिम्मेदारियों को लेकर विभाग से जुड़े अधिकारी उदासीन हैं, तो दूसरी तरफ कार्यालय में विभाग द्वारा जारी योजनाओं के तहत लंबे समय से लाभ लेने के लिए चक्कर लगा रहे मजदूरों ने कुछ इस तरह विभाग की उदासीनता की पोल खोली। या हम साइकिल की योजना लेने के लिए आए हैं, कोई योजना में हमारा नाम आया है लिस्ट में, तो अब साइकिल लेने के लिए आए हैं। समय क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? 10:40 हो गए। कोई मिला आपको? हम यहाँ पहुँचे 10:30 आप पहुँचे, हमको उस समय तो कोई नहीं मिला। बिल्कुल अधिकारी कर्मचारी मिलता है सीट पर? अभी तक तो नहीं मिला सर कोई भी। ऐसे लगता नहीं है कि समय पूरे हो जाए तो ऐसे ही चलता रहता है। अब जब गरीब मजदूरों के साथ में ऐसा हो रहा है तो और विभाग तो पता नहीं, खुद का श्रम तो नहीं कर पा रहे ये टाइम कुछ पे। कुछ भी नहीं श्रम का सही वो दिला पाएंगे लोग, ऐसा तो लगता नहीं। सर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया मेरा। अब क्या टाइम हो रहा है? अब टाइम 10:45 जी सर। 9:30 का टाइम है जी सर। यहाँ कोई मिलता नहीं है? कोई भी नहीं मिला सर, 1 घंटा हो गया मेरे को बैठे बैठे, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। कर्मचारी से लेके अधिकारी सब कुछ भी नहीं सर, नील कोई था ही नहीं। मैं आया जब तो कोई जवाब देने वाला है? कुछ भी नहीं था साहब, ये तो फोकट के मारने साहब, और तो क्या है। मजदूरों की रहती है, मजदूर अपने उसके लिए आते हैं, लेकिन अब योजनाओं का लाभ मिल जाए लेकिन मिलता ही नहीं है। परेशान करते हैं मजदूरों को, चक्कर काटना जी साहब। यहाँ मैंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था बच्चों की, और वो मेरे पास तो हो गई, लेकिन मैं कम से कम 15 चक्कर लगा चुका हूँ, चेक भी बन गया। और एक राजेंद्र बाबू हैं जो ऊपर बैठते हैं और वो आते नहीं हैं, ना ही कोई ऑफिस में ये बता के देता है वो कितने दिन की छुट्टी पर हैं, कब आएंगे। और मैं 2 दिन में 4 दिन में आता हूँ, 150-200 रुपये किराए के लगते हैं, और 150-200 रुपये ही कम से कम ना है। तो भाई साहब 1 महीने तो चेक को बने हो गए, और 20 दिन पिछले 20 दिन से कम से कम मैं ऑफिस में आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, और कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। कोई टाइम पे अगर आप कभी 9:30 बजे आ गए हो कार्यालय तो नहीं मिलते, कम ही मिलते हैं सब ऐसे ही, कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं देता है। हाँ कोई बता नहीं देता। मैं अभी आप बैठे थे उनसे, मैंने बाबूजी से बात करूँ, सर आप मेरे लिए केवल ये बता दो राजेंद्र बाबूजी किस डेट में आएंगे, कितने दिन की छुट्टी पर है, क्योंकि भाई अधिकारी हैं वो, उन्होंने भी नहीं बताया। वो अगर भैया हम क्या बताए, वो बाहर रहते हैं, दारू वारू पीते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, ऐसे हाँ पी के पड़े रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं। मैं एक दिन भी और भी आया था सर, जब उस दिन भी उन्होंने, और बुजुर्ग आदमी है फिर भी वो बेहद भी गलत करते हैं, कई बार तामस मा करके और तेज स्वर में बोलते हैं ऊँचे। एक मजदूर वर्ग से इस तरीके से बेहेव नहीं किया जाता है। हम यहाँ आते हैं, हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। आज भी मैं आया हूँ, आज से 4 दिन पहले मैं आया हूँ, अभी आपको टिकट भी दिखा सकता हूँ। कुल मिलाकर राज्य सरकार के नए आदेशों के बाद जहाँ
सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जिला उपखंड अधिकारी व एडीएम सहित जिला कलेक्टर को कार्यालयों की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। दूसरी तरफ श्रम कल्याण अधिकारी रत्नेश शर्मा के अनुसार कार्यालय से जुड़े उपश्रम आयुक्त जितेंद्र खट्टर न तो लंबे समय तक कार्य कौशल कार्यक्रम स्थल पर नजर आए और न ही अपने कार्यालय में। ऐसे में श्रम विभाग किस तरह श्रम के मायनों का सही अर्थ समझा पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश में जिला कलेक्टर से लेकर उप जिला खंड अधिकारी तक को दिशा निर्देशित किया गया कि जितने भी सरकारी विभागीय कार्यालय हैं उनमें ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारी से लेकर अधिकारी अपनी सीट पर निश्चित समय अवधि पर उपलब्ध रहें, जिससे जनता और वहाँ आने वाले कार्यालय से जुड़े हुए लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन कार्यालय की सच्चाई एक बड़ी आप देखें कि श्रम विभाग में किस तरह की है। ये वो श्रम विभाग है जो लोगों के श्रम करने की और उनकी मजदूरी दिलाने के दावे करता है, और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो मजदूरों के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। लेकिन वो योजनाएं कब कारगर साबित होंगी? जब अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी सही समय पर अपनी सीट पर मिलेंगे, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि श्रम उसी का कहीं ना कहीं मिल पाता है जो श्रम के लिए कार्य करता है। और जब अधिकारी और कर्मचारी ही अपने कार्यों को लेकर उदासीनता बरत रहे हैं तो हालात किस तरह के हैं आप स्वयं समझ सकते हैं। कैमरामैन जावेद के साथ मैं समर गुप्ता। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मयूर विहार स्थित एक मकान में जमीन का गर्म होना बना कौतूहल का विषय। दहशत में है परिवारजन। अरावली विहार थाना पुलिस ने किया मौका मुआयना। ग्रेच्युटी से वंचित सेवा मुक्त रोडवेज कर्मचारी 27 अक्टूबर को प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के बाद भी रोडवेज निगम ग्रेच्युटी देने में नहीं है सक्षम। युवा महोत्सव 2015 में आयोजनकर्ताओं के चलते नजर आई बड़ी खामियां। जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और राज्य सरकार के आदेशों की उड़ रही श्रम विभाग में धज्जियां। निश्चित समय पर नहीं आ रहे विभाग से जुड़े अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी, उन्हें नहीं कार्रवाई का डर। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।